लाइफ में कभी भी मालिक बन के रहना चाहिए, नहीं तो मालिक के साथ रहना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। वैसे ये क्या तो अमीर पैदा होना चाहिए, नहीं तो गरीब। उसमें मिडिल क्लास नाम की भी चीज होती है, उसमें भी लोअर मिडिल क्लास होता है। उसमें पैदा होकर यहाँ का भी नहीं, वहां का भी नहीं, उसमें बहुत लोग लड़कर बाहर आना चाहते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। वैसे ही तय करके मैंने लाइफ ट्रैवल किया, वही एक चीज मुझे आज तक भगा रही है। मेरा नाम है सत्या। चल उतर। ए, चल यहीं चलते हैं। हाँ ठीक है। इन्होंने काफी शराब पी रखी है, गाड़ी उठा ले क्या इनकी? है? ये एरिया बहुत भीड़ भाड़ वाला है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। उठानी है या नहीं इतना बोल बस। सच कहूँ भाई, मेरा तो मन नहीं कर रहा है। तो फिर उठाते हैं। तो एक काम कर, सीधा उस दुकान में जाकर बिरयानी खाते हुए उधर क्या चल रहा है मुझे अपडेट करना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है। भैया एक चिकन बिरयानी देना। हाँ सर, लाता हूँ लाता हूँ। और कितना टाइम लगेगा पता है ना किसकी गाड़ी है? यहाँ के काउंसलर की। कंप्लेंट करने पर भी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हो। और क्या सर, जब तक आप कंप्लेंट लिखेंगे तब तक गाड़ी शहर के बाहर चली जाएगी। आप यहाँ आराम से बैठ के दही बड़ा खा रहे हैं। सर ऑलरेडी मेरे पापा बहुत टेंशन में है। मैं दही बड़ा खा रहा हूँ तो तेरा बाप क्यों टेंशन ले रहा है? सर ऐसी बात मत करो सर, कंप्लेंट दिखाने आए तो पहले कंप्लेंट लिख लो सर। बहुत गर्मी है तुम लोगों में। क्या ये देखना क्या है? ये तो तेरी गाड़ी का आरसी पेपर है। सर ये तो मेरी गाड़ी की आरसी बुक है। काउंसलर के लड़के हो तो ड्यू नहीं भरोगे? 8 महीने से ड्यू नहीं भरा है तो गाड़ी तो तेरी उठेगी। बेटा अपने पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, फर्जी कंप्लेंट करता है कि गाड़ी गुम गई, फ्रॉड कहेंगे। चलेगा? उस काउंसलर की वजह से ही मुझे काम से निकाल दिया गया। अच्छा, वो लोग ही गाड़ी उठाने के लिए मुझे बोले और वो लोग ही मुझे काम से निकाल दे। खुद को क्या समझते वो लोग? अच्छा ऐसा क्या? हे तू इधर क्या देख रहा है? कुछ नहीं यार। हे तू दारू कितनी भी पी ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चखना थोड़ा संभल के। इसका रेट बहुत ज्यादा है यार, अपन रोड पे कुछ खा लेंगे ना। मैं यहाँ लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तू क्या पेट के बारे में बोल रहा है? ये सब तेरी ट्रीट है ना। ए, मैंने तुझे बैचलर पार्टी कल ही दी थी ना। कल ही बैचलर पार्टी दे दी? पता है क्या बैचलर पार्टी क्या होती है? क्या? जब तक मैं बैचलर रहूंगा तब तक तू मुझे बैचलर पार्टी देते रहेगा, ये बैचलर पार्टी होती है। फोकट में पीने के लिए बुढ़ापे तक की स्कीम बना रहा है, ये सब नहीं चलेगा। यार ऐसे बोल रहा है, महीने की शुरुआत में कितना कमिटमेंट रहता है, हर महीना EMI भरना पड़ता है, हर महीना ड्यू भरना पड़ता है, सर पे कितना प्रेशर रहता है मालूम है तुझे? तू नहीं जानेगा। तुझे कितने दिनों से पूछ रहा हूँ ट्रैवल्स कंपनी खोलने के लिए, कुछ आइडिया भी नहीं दे रहा तू। लोन के बारे में सोचूंगा तो ये बैंक वाले अपने लिए लोन भी नहीं देते ना। हे तुझे अपनी ट्रेवल्स कंपनी खोल दिया ना, टेंशन मत ले, एक बंदे से बात किया मैंने। अच्छा? उसका कोई फ्रेंड है, बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन दिलवा देगा तुझे। अरे उसने बहुत लोगों को दिलवाया यार, एक दो दिन में चेन्नई आ जाएगा, हम लोग जाके उससे बात कर लेंगे, तेरा काम हो जाएगा। बिना डॉक्यूमेंट के देते हैं? मैंने उससे बात की है यार, बैंक वाले तो हमें दौड़ाते ही रहेंगे, वो सब कुछ बिना टेंशन के अरेंज करके दे देगा। लेकिन तुझे कैश तो चलेगा ना? क्या सवाल कर रहा है, कैश मिल जाएगा ना? कैश में 2 इनोवा लेके वो इनोवा को बुक करके गिरवी रख के उसमें से जो पैसा मिलेगा उससे 2 छोटी कार ले लेंगे, उन्हें भी गिरवी रख के जो पैसा मिलेगा वो पैसा दुकान के लिए एडवांस में दे देंगे।
तो तू अपनी जेब से पैसा नहीं डालेगा क्या? ऐसे क्या बात कर रहा है, तेरे फायदे की भी तो बात है। ओ भाई मेरे को छोड़ दे, मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। वो क्या है ना, शादी के लिए थोड़ा उधार लिया है मैंने। वो क्या है कि जब तुझे कैश मिल जाएगा ना तो उसमें से कुछ रोटेशन कर देगा मेरे लिए। तू सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की कोशिश कर रहा है। अरे तो इसमें बुराई क्या है यार? माँ जल्दी दीजिए ना, आपने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं? मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। तो मैं क्या करूँ, खुद ही लेट उठती है और मुझे कहती है। रोज का यही नाटक है तेरा। ये ले। मैं लेट उठती हूँ आपको पता है ना, तो आपको तो जल्दी उठना चाहिए था। जुबान बहुत चलती है तेरी, अब जा देर हो रही है। ए, क्या रे माँ से जुबान लड़ा रही है, बगल वाली से सीखा क्या? चल। मुझे मार क्यों रहे हो? मारा नहीं है, मारूंगा अब। माँ मैं चलता हूँ। अरे रुक रुक रुक, क्या हुआ? पगार तो देता जा, दो महीने से दूध वाले को पैसे नहीं दिए हैं मैंने। दो महीने से कॉफी नहीं पिलाई और पगार पूछ रही है, क्या मार। ये ले इतना ही है, रख ले। ए, सिर्फ चश्मा निकाल कर देख बेटा, सिर्फ 2000 है। क्या 2000? अच्छा वाह, बता दिया तुमने मुझे। ये ले 500 रुपए रख लेना, सोच समझ के खर्चा करो, आजकल ज्यादा खर्चा करने लगी हो। अरे इतने से क्या होगा? ए, क्या कर रहा है यार, इतनी देर कहां लगा रही थी? उन्हें पता ही नहीं काम छूट गया मेरा, इतनी देर से धूप में खड़ा लग रही है ना। आगे बंद कर देता हूं। क्या कर रहा है? अच्छा सुन, मैंने सारे डिटेल्स उसे दे दिए हैं। अब हम लोग वहाँ जाएंगे और उससे बातचीत करेंगे और डॉक्यूमेंट्स पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा ना वहाँ साइन कर देंगे, उसके बाद अपना सारा काम हो जाएगा। वो साइन करने के बाद ठीक है, पर लोन का अरेंजमेंट हो जाएगा ना? क्या बोल रहा है यार तू भी? मैं बोल रहा हूँ यार, एकदम भरोसे का आदमी है वो, कितने लोगों को लोन दिलाकर सेटल कर दिया है उसने, वैसे ही अपन भी सेटल हो जाएंगे। ऐसा सेटल होंगे कि वो वापस लोन देंगे। ये क्या? रेबन अरे गिफ्ट मिला, निकाल उसे। क्या अरे पागल, ऐसे बन के जाएगा तो लोन नहीं मिलेगा, उल्टा हमसे ही लोन मांगेगा वो। बड़ा हीरो बन रहा है, लोन लेने जा रहे हैं अभी चश्मा लगा के। तो वैसे कलर क्या है यार? ब्लू कलर है यार। अच्छा है ना? ओके 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 ओके। सर आ? सर मैं पाली, आपसे फोन पे बात की थी ना? आ जाओ। आ जाओ। सर मैंने इसके लिए ही आपसे लोन की बात की थी सर। खुद का ट्रैवलिंग एजेंसी खोलने का प्लान है मेरा सर। बैंक में पूछा तो रिकमेंडेशन और लास्ट 3 इयर्स का आईटी फाइल और आधार कार्ड लिंक किया क्या, ऐसा सब कुछ पूछ के कंफ्यूज किया सर, कुछ हुआ नहीं इसलिए आपके पास आए सर। क्या है भाई, प्लान करके जो फ्रॉड करते ना उन्हें 5-7 करोड़ मिल जाते हैं, ईमानदार आदमी को 1 रुपए भी नहीं मिलते। नहीं सर, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बराबर टाइम पे पेमेंट करता रहेगा, पहले से ही बहुत कस्टमर बन चुके हैं सर। मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, एक जनरली बात कर रहा हूँ। आप लोग दिखने में शरीफ लग रहे हो, इसलिए मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। क्या है कि बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको पैसा मिलेगा नहीं। हम लोग कुछ फ्रॉड तो करने वाले हैं नहीं, पर स्किप होने के लिए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। लोन लेने के बाद मेरा कमीशन दे देना। सर वो बराबर दे दूंगा मैं आपको। पैसा लेने के बाद मेरे कमीशन के लिए लफड़ा तो नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, वो सब बराबर हो जाएगा सर। सीधे मैटर पर आते हैं, शहर में जितने अमीर लोग रहते हैं ना उनको ये नहीं पता कि उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर है, और कुछ लोग इधर प्रॉपर्टी बना करके फॉरेन में सेट हो जाते हैं। किसी ऐसी प्रॉपर्टी पर ही आपको लोन लेना पड़ेगा, समझे? समझा क्या रे? क्या ये सर, नहीं समझा। कुछ नहीं है, अभी समझ लो, तुम दोनों के नाम पर अशोक नगर में एक लैंड है, अगर उस जमीन के पेपर हम बैंक को देंगे तो तुम्हें लोन मिल जाएगा, आप लोग को लोन मिल जाएगा और मुझे मेरा कमीशन। सर पर हमारे नाम पर कोई लैंड नहीं है सर। है सर, लेकिन ये गलत है सर, कोई और ऑप्शन हो तो बताइए। क्या यार, बैंक में झूठ बोल के लोन लेने से इतना डर रहे हो? हमारे साथ कितना धोखाधड़ी हो रहा है, बैंक में कितनी भीड़ हो रही है, इसलिए एटीएम मशीन चालू किया है। अभी अगर हमें अपना पैसा लेना हो तो हम ही सर चार्ज लगा के पैसा लूट रहे हैं बैंक वाले। लोन लेके उसको टाइम पे ना करने वाले फ्रॉड लोग देखे होंगे आपने, और लोन दिलाने वाले फ्रॉड भी देखे होंगे आपने। ऐसी एक टीम हमारे पास है, लोन हो जाने के बाद आप लोग डॉक्यूमेंट्स को फाड़ के फेंक देना और कमीशन लेके मैं निकल जाऊंगा। इस टीम की मदद से मैंने अब तक 500 लोगों को लोन दिलाया है, वो सब लोग अच्छा धंधा कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सर सर अगर आप मुझको लोन दिलवा देंगे ना तो मैं भी लाइफ में सेटल हो जाऊंगा, प्लीज सर। ओके थैंक्स सर। सुनिए सुनिए भाइयों और बहनों, सुनिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, अपना सत्या भाई बड़ा आदमी बन गया है। अब
तो तूने अपनी ट्रैवल एजेंसी भी खोल दी है। मैंने बालाजी से मन्नत मांगी थी, तो अपनी ही गाड़ी से बालाजी दर्शन करने चलते हैं ना बेटा। अभी तक गाड़ी अपनी खुद की नहीं हुई है, ये मैं भरना पड़ता है। आपको मंदिर जाना है ना, इन्हें छोड़ के अभी आता हूँ, ठीक है? पूरा है ना? हाँ बोलिए यार। ट्रैवल कंपनी खोल के बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया क्या? चल बैठ। सर बैठ, मेरा गला दुख रहा है। तू गारंटर है और तू ऑनर, कितने साल से फ्रॉड कर रहे तुम लोग? सर आप जैसा सोच रहे हैं। तेरा मुंह तोड़ दूंगा, ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है। मुझे माफ कर दे यार, सब सच सच बता दे वरना। सर हमने ट्रैवल्स के लिए पैसे लिए थे, पर डॉक्यूमेंट सर समय सर ने ही। कैसे यार, ऐसा नया नया फ्रॉड करने के लिए सोच भी कैसे सकते हो तुम? उसका नाम क्या है? समय। चल फोन लगा। अरे यार नॉट रीचेबल है, बहुत देर से लगा रहा हूं मैं, लगता है भाग गया यार। ए, सर पूरी की पूरी टीम को ढूंढ रहे हम लोग। सर लगता है तेरे घर वालों को पता नहीं है। अभी तुझे अंदर डाल दूंगा ना, तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा और फिर तुझे रोड पे भीख मांगना पड़ेगा, समझे? ए गारंटर, तुझे भी बोल रहा हूँ सर, बहुत बड़ा गारंटर बनता है ना, अब पता चलेगा तुझे। सर सर प्लीज सर, अगले महीने मेरी शादी है सर। तो कर ले, ये मेरी पहली शादी है सर। तो? मेरे बारे में टीवी पर आ जाएगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, शादी टूट जाएगी। तेरे घर का केबल कनेक्शन कट करने के लिए बोल दूं क्या? सर ये मैं सब बराबर भर रहे हैं सर, लोन खत्म होने के बाद हम वो खुद पेपर फाड़ देंगे सर, पर उसके पहले ये सब। सर हमने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं किया, हम पे भरोसा कीजिए सर, प्लीज सर प्लीज सर, आपके पैर पड़ रहा हूँ सर। टच करके बात कर रहे हैं, 50 लाख लूटे हैं, या तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए या अब तुम लोग इसकी कीमत चुकाओ। सर आप बोलिए ना, आपको क्या चाहिए, कितना? जेब में क्या हाथ डाल रहा है, मुझे ट्रैफिक पुलिस समझाए क्या? 10 लाख लूंगा, दोनों के 5-5, 2 दिन में मिलने चाहिए, उसकी तैयारी करो। सर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे सर, नया नया धंधा खुला है तो कमाई भी नहीं इतनी हुई, तो आप इतने पैसे क्या बे? बार्गेनिंग कर रहे क्या? तेरे जैसे बहुत लोग फंसे हुए हैं, जो मुझे पहले पैसे देगा उसे छोड़कर बाकी सबको अंदर डाल दूंगा, ऊपर वालों को भी खिलाना पड़ता है। सर ऐसा नहीं, चोरी कर मर्डर कर या कुछ भी कर, मुझे पैसे चाहिए सिर्फ 2 दिन में। मेरा ख्याल रखेगा तो कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा, ध्यान देना है कि नहीं इसके बारे में सोच। यही है, लोग कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर जो भी मेरी लाइफ में हुआ उसे मैं कैसे लूं? अभी मेरे हाथ में 10,000 भी नहीं है, 2 दिन के अंदर मुझे 10 लाख रेडी करने हैं। अगर ये मुझसे नहीं हो पाया तो मैं मेरी फैमिली को कैसे फेस करूंगा मुझे नहीं पता, मेरी वजह से मेरे दोस्त भी तकलीफ में हैं। किसी से भी पैसा पूछता हूं तो होकर भी मना कर देते हैं। देखता हूं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। अच्छा
क्या यार, कुछ जुगाड़ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ यार, पैसा मांगते ही लोग भाग जाते हैं। वेटर, मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन कोई जुगाड़ नहीं हो रहा यार। यार क्यों ना थोड़ा थोड़ा देने की बात कर ले। बात कर चुका हूँ, कोई फायदा नहीं है। टाइम पे नहीं दिया तो अपना नाम खराब हो जाएगा, सब कुछ बेचेंगे भी तो 2-3 लाख से ज्यादा नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो अपने चंदू से पूछा क्या? कौन सा चंद्रू? रुक, मैं ही पूछता हूँ। बहुत पी लिया, अरे टाइम क्या हुआ है? मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ। सॉरी सर, सॉरी सर, गलती हो गई। यार देख के चलना चाहिए था ना। सॉरी सर। अबे एक तो उधार लेकर के पी रहे हैं और ऊपर से तुमने उसकी भी वोट लगा दी। मैंने कहा ना सर, सॉरी सर, मैं आपको पैसे दे देता हूँ सर। ये देखो सर, ये मैं आपको पैसे देता हूँ, आपको जितना पीना है पी लो सर। इतना और भी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ सर, आप लोग पीजिए। गलती हो गई, मुझे जोर से लगी थी इसीलिए। सॉरी सॉरी। साहब का पैसा मैं भर रहा हूँ, जितना पिए दे देना। सॉरी सर, आप बहुत प्यारे बैठो ना, मैं आप पियो पियो पियो, मैं आता हूँ। जोर से लगी है ना। हे, क्या आदमी है यार ये, इतने से के लिए इतना सारा पैसा दे रहा है और ऊपर से बोलता है बिल भी भरेगा, कमाल है यार। हेलो, जरा यहाँ आओ ना। जी। वो कौन है? वो हमारे यहाँ रेगुलर कस्टमर है सर, टिप्स में हमें 2-4 हजार तो ऐसे ही दे देते हैं सर, उनको परेशान मत कीजिए सर, वो बहुत बड़े आदमी है। बड़ा मतलब? 10 लाख मांगू तो दे देगा क्या? उनके लिए मामूली बात है सर। सर मैंने खुद ही 2 लाख रुपए उनसे ले रखा है सर। सर उनको ऐसा वैसा मत समझिए, वो दिल के बहुत बड़े आदमी है। वो देखने में ऐसे ही लगते हैं लेकिन एक बार पी लिया ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। किस प्रॉब्लम की बात कर रहा है? बड़ी तारीफ कर रहा है उस आदमी की तू। सब कुछ ठीक ठाक है ना? सर ऐसे मत करो ना। आप पियो सर, पियो। यार उसकी बात छोड़, ये तुझे इतना क्यों घूर रहा है? सही कहा यार, ये तो मुझे ही घूर रहा है। मुझे लगता है वो वही है। कौन यार? वही वही वही। तेरी तो बहुत घूर रहा है बे। लगता है वो तेरी फिगर पे फिदा है। हे, क्यों मेरी इज्जत की वोट लगा रहा है? अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, ऐसी बातें करके मेरा दिमाग खराब मत कर, समझा? बढ़िया बढ़िया, जिसका उसको दे दे। हाँ सर, आपके लिए सर। हमने ऑर्डर नहीं किया है, लगता है गलती से लेकर आया है तू यहाँ पर, लेकर जा। सर गलती से लेके नहीं आया हूँ, गजानन सर ने ऑर्डर दिया है। कौन गजानन? अब मेरी तरफ से। ए, कन्फर्म है वो, कोई डाउट नहीं है। उसने जितना भी पैसा दिया है ना, लग रहा है तेरे लिए एडवांस दे दिया है वो पैसा। एक रिक्वेस्ट है, उसे घूर घूर के मत देख। अबे मैंने उसे कब देखा, वही देख रहा है मुझे। अरे यार तुम लोगों के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं चलता हूँ, मैं बाहर वेट करता हूँ। रुक, उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, अभी जाके बताता हूँ उसे। उसके पैसे उसके मुंह पे मारूंगा। क्या रे, मुझे क्या समझता है तू? मेरे लिए फूड ऑर्डर करेगा, मतलब क्या है? क्या बॉस, फूड ऑर्डर किया मैंने, ये सब आपके लिए ऑर्डर किया है। तू मेरे लिए सब कर रहा है तो मैं तेरे लिए कुछ करूँ? मेरी बात सुन, तूने पैसे दिए तभी मुझे डाउट हो गया था। तू जो समझ रहा है ना, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। अरे आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आप कीर्ति के भाई है इसीलिए आपको हेल्प किया। ये जेन्युइन लव है बॉस, आपको इंप्रेस करने के लिए किया। सुन, ये कीर्ति है लव, मुझे कुछ नहीं पता। अगर दोबारा तूने मुझे घूरा तो याद रखना तू। ये सब क्या चल रहा है यार? अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे बात कर रहे हैं भाई। बॉस आप इतना पी चुके हैं कि अपनी बहन को भूल गए। भाई हमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। और प्रॉब्लम ले लो बॉस, अरे इनको समझाओ ना। जो आप समझ रहे हैं हम लोग नहीं है, चल। बॉस बॉस, इनको और इनकी सिस्टर को मैंने शॉपिंग मॉल पे देखा था, बताता हूँ। अरे यार फोकट में पका रहा है ये, आधा पागल है यार ये। आधा पागल, अभी दिखाता हूँ, ये देखो आप हो कि नहीं। सॉरी सर, सॉरी सर, गलती हो गया। देखो आप हो ना, देखो तो। अरे यार ये तो तू ही है, ध्यान से देखो। बॉस ये आप हो ना, ये आपकी सिस्टर है ना, आप दोनों साथ थे कि नहीं मॉल में? वो तो भाई देखे, मान लिया इन्होंने। बस आपकी बहन से मैं सच्चा प्यार करता हूँ, उसकी 2 बड़े-बड़े आँखों में मैं खो गया हूँ। देखिए आपकी बहन का मैं बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत पैसा है मेरे पास बॉस, अरे करोड़ों रुपए है मेरे पास, मुझे याद भी नहीं रहता कितना पैसा है। लेकिन आपकी बहन के बारे में सोचो, राज करेगी राज। ए, इंडिकेटर नहीं दे सकता था क्या? मैं तो बराबर इंडिकेटर चालू किया था। चाहिए था ना, अभी देने से कैसे चलेगा? चला रहा था ना तूने मैडम की गाड़ी को ठोका। अरे वो लोग गलत चला रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग?
मैं देख लेता हूँ, अपनी बहन के साथ जाता है और ध्यान नहीं रखता। ये मेरी लवर है, बहन ही है। लवर है अठू, कितना खतरनाक चॉइस है। अरे सर मैं देख लेता हूँ, आप रुकिए मैडम, मैं हूँ ना। सर रहने दो, हम देख लेंगे। आप क्यों? इस एरिया का ट्रैफिक पुलिस सब अपने ही आदमी है, मैं देख लेता हूँ। आरसी बुक निकाल, लाइसेंस है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड लिंक किया है क्या? बाइक से आधार का क्या लेना देना? लड़की के साथ लिंक कर लिया, आधार कार्ड लिंक नहीं कर सकता। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, उल्टा जवाब मत दे मुझे। ओके, अब टाइम बर्बाद मत कीजिए, हम देख लेंगे। मैडम मैं देख लूंगा ना। हेलमेट है क्या? है तेरा नहीं, गाड़ी का हेलमेट कहाँ है? फिर आप बेमतलब की बातें कर रहे हैं। देता है तू मुझे। सर आप नंबर नोट कीजिए। अरे आपके दोनों हाथ बिजी हैं, कोई बात नहीं मैडम, आप नंबर नोट। लेकिन क्यों? हम नहीं नोट करना चाहते। 994। अरे सर क्या पागल है, आप जाइए, मुझे नंबर नहीं चाहिए। अरे कहाँ फंस गए हम भी, चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ चल दे, साइड दे मैडम। मैडम मैडम बहुत अच्छी है आपकी गाड़ी। ए भाई तू ऐसा क्यों करता है? इसीलिए मुझे गुस्सा आना पड़ा। सॉरी, अगर मेरे एरिया होता ना तो तुझे देख लेता। बाय मैडम। अच्छा साइड में जाके पी। बस वो है क्या? हाँ बिल्डिंग है सर। अबे झिंगुर, अब पता चला तूने चाय की दुकान क्यों खोल रखी है? बोर्ड पे क्या लिखा है वो बता। लैंग्वेज सीखने की जगह है। ए चाय बोला अभी तक लाया नहीं। ए चल निकलना, बात कर रहा हूँ। भाग यहाँ से। बस जो पूछ रहा हूँ बताओ। अबे तेरे लिए मैं फ्री बैठा हूँ क्या? मैं अपना धंधा करूँ या फिर तुझे एड्रेस बताता रहूँ? तेरे को खाने पीने की जरूरत है तो ले, लेकिन समझ जा। रुक, गाली मत दे मुझे। हाँ परिवार वाले को अच्छा नहीं लगता, दसवीं में 3 बार फेल हुआ हूँ, यहाँ कैसे एंट्री मारना है ये बता मुझे। सुनो अगर तुम्हारे पास पैसा है ना जाके ज्वाइन कर लो, ना तो चाय पी रहे हो ना ही मेरे कस्टमर को आने दे रहे हो। ज्यादा बकवास की ना तो ये गर्म पानी मुंह में डाल लूंगा। निकल यहाँ से। तुम नए नए आए हो ना? हाँ सर। राम किल्ड रावण, चेंज द वॉइस। सर राम किल्ड रामा, वॉइस चेंज करना है ना सर? हाँ ठीक है, रामा किल्ड रावणा। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोला, तुझे मिमिक्री करने को नहीं बोला है। ये एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स का क्लास है। सर हम भी एडवांस पे करके ही आए हैं। हाँ पता है, चल पीछे जाके बैठ। ए उधर देखना। ए अरे उनको उनको, अरे नहीं नहीं, हम लोग फ्रेंड्स हैं, मजाक कर रहा था। पढ़ाई लिखाई में मन लगा ना भाई। भाई क्या है, सर ने तुम्हें उधर बैठने के लिए बोला था ना? तुम्हारे सर ने मुझे पीछे बैठने को बोला, अभी वो सूर्य हॉस्पिटल के बेड नंबर 301 पर हैं, बगल वाला बेड खाली है, तुम्हें जाना है क्या वहाँ? तो बोलो भेजो। तो फिर हम दोस्त बन जाते हैं भाई। ठीक है उंगली पकड़ ले। ये क्या भाई? तुझे उंगली करने के लिए एक ही काफी है, चल। खुदा मेहरबान तो ये गधा पहलवान। आज तो पूरा दिन ये हाथ नहीं धोऊंगा। ऐसे ही बॉस, हम बार बार देख के बात करते थे, आपस में हंसते थे, मैं अपना हर काम छोड़ के उसके पीछे घूमने लगा था, हम दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था, फिर अचानक वो 4 दिन से क्लास नहीं आई। दोस्तों से पूछा तो वो लड़की पक्का आपसे प्यार करती है भाई, 4 दिनों से आपको देखा नहीं, बात नहीं कर पाई। हा? अगर आप नहीं मिले तो उसके घर वाले किसी और से शादी करवा देंगे। ऐसा बोल के वो बहुत रो रही थी भाई, मेरा नाम ले रही थी। लो एक और लिख पिस खाओ। हाँ सही कह रहा भाई, बेटर एक फुल चिकन चिल्ली। लूटो लूटो बेटा लूटो मुझे। मैं उसको फोन करने वाला था भाई, लेकिन मेरे फोन से कॉल जा ही नहीं रहा, एक्चुअली चार्ज ही नहीं हो रहा है, बार बार हैंग होता जा रहा है, लगता है फोन ही फेंक दूंगा। अरे फेंको इसे यार, ये लो नए फोन से बात करो, चलो। ओके ओके ठीक है बॉस। तुम लोग जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो ना? मुझे तुम लोगों पे वैसे पूरा विश्वास है। सच में बॉस, वो लड़की रो रो के मर जाएगी बॉस। वो नहीं मरी तो मैं मर जाऊंगा यार, कल मैं उसके घर जाऊंगा और उससे बात करूंगा, फिर देखता हूँ मैं कि कौन क्या बोल रहा है। इसी रास्ते से उसका बाप आएगा। हेलो सर, हाउ आर यू? ये क्या? एक मिनट रुकिएगा। अरे अरे कौन हो तुम? मैं आपके घर का दामाद बनना चाहता हूँ, लगता है इसे कुछ समझ में नहीं आया। ससुर जी आपकी लड़की पे मेरी नजर है। तेरी तो अरे क्या कर रहे हो? ठीक है मत मारिए, मेरी भी इज्जत है। आओ अरे अरे मैं अच्छे खानदान को आई। ये ले चल निकल। जब से रिश्ता लेके आया तो कदर ही नहीं है इसे। सच में कह रहे हो बॉस? हाँ भाई। उसका भाई होकर मुझे ही पता नहीं? हाँ अभी भी उसे ये कह के टॉर्चर कर रहे हैं कि उसकी शादी अंग्रेज लड़के से कराएंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, हम लोगों की तुम शादी करा दोगे तो तुम जो कहोगे मैं करूंगा। अरे बॉस से भाई बोला है तुम लोगों को मैंने। कुछ भी करेंगे क्या? हाँ कुछ भी करूंगा। वो क्या ना भाई,
कीर्ति के पिताजी से बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए लिए थे। उसे वापस नहीं कर पा रहा हूँ। शर्म के मारे आजकल उसके घर नहीं जाता हूँ, तो फिर कैसे सेट करूंगा मैं वो। भाई पैसा तो हाथ की बैल है, वो मैं कर दूंगा। तुम अपनी बहन को संभालो और मुझे अकाउंट नंबर दो, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। अकाउंट नंबर? हाँ देता हूँ देता हूँ। चुबेट यार सुनिए, आप अभी बहुत पिए हैं, कल सुबह आके बात करते हैं, फिर आपके लव मैटर को देखते हैं। जब मैं पिया हुआ रहता हूँ ना, तभी सेंसिबल बात करता हूँ। चल ना, अकाउंट नंबर मैसेज कर दूंगा, डाल दीजिएगा। अरे यार मोहब्बत का साथ कोई नहीं देता। अरे यार इतना अच्छा मौका था, तू भी ना अभी अपना काम हो जाता ना। अरे वो बहुत पिया हुआ है। चुप रह। उस लड़की को तू कैसे जानता है? अरे बोला था ना, एक सुंदर सी लड़की मिली थी कपड़े की दुकान पर। कपड़े की दुकान में? हाँ। हाँ जी बोलिए। आपने कितने की शॉपिंग की है? 2000 की। मैंने 3000 की शॉपिंग की है। अगर 5000 का शॉपिंग करेंगे तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। अगर एक साथ बिल बना लेंगे तो आधा आधा शेयर कर लेंगे। चलेगा चलेगा चलेगा। ओके सर, इन सबका बिल साथ में बनाइए। अलग अलग आए थे आप लोग तो, पर बिल एक साथ बनाने के लिए बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो, दोनों का मिलाकर डिस्काउंट दे दीजिए ना। सही कहा, ये मेरे चाचा के लड़के हैं। चाचा का लड़का? चाचा का लड़का? ए, मजाक मत कर वरना एक लगा दूंगा। कुछ भी हो, लड़की बहुत सुंदर थी यार। हैं? बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिली नहीं यार। अब तो मेरी शादी होने वाली है, एंगेजमेंट की अंगूठी भी पहन ली है, इसलिए अब कोई फायदा नहीं, छोड़ दिया मैंने। अच्छा इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया? तेरी वाली को कॉल करके बता देता हूँ। ऐसी गलती मत करना भाई। अच्छा बता, लड़की सुंदर थी क्या? बहुत। फोटो दिखा। ए सुबह से तेरा फोन बज रहा है, कितनी देर तक सोता रहेगा? कम से कम देख तो ले किसका फोन है। कौन है बे? यार सब पता लगा लिया मैंने। क्या हुआ? अरे याद है कल जिससे बार में मिले थे? अरे उसने 2 लाख मेरे अकाउंट में एडवांस डाल दिया यार। आदमी सही है भाई, अगर उसकी मदद मिल गई ना तो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अपन टेंशन फ्री हो जाएंगे। बहुत लोगों से बातचीत की मैंने, वो सीरियसली उसे चाहता है। अगर हम दोनों मिल करके उसका साथ दे देंगे ना तो सच कह रहा हूँ, हमारा एहसान वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ऐसे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्यार में पागल है, कुछ भी कर सकता है। अरे हम लोग जितना भी चाहेंगे उसे पैसे निकलवा सकते हैं यार। मुझे लग रहा है ये एकदम सही बकरा है यार। यार उस पे भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल निकाल ली है मैंने। अरे भाई वो एडवांस तक दे चुका है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें? वो लड़की और मोटा दोनों के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब वो 500 के डिस्काउंट के लिए मुझसे आकर के बात कर सकती है तो ये मोटा तो करोड़पति है, लॉटरी लग जाएगी उसकी। उसे पता चला तो वो ऐसे बकरे को नहीं छोड़ने वाली है, उसका भी काम बन जाएगा और अपना भी काम बन जाएगा। भाई पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है इंसान। यार तेरी बकवास मैं इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मुझे उसे तुरंत मिलना है। ब्रदर आप उस लड़की से प्यार करते हो पर क्या वो आपसे प्यार करती है? अरे ऐसे क्यों पूछ रहे हो भाई, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हें ये रंगीन जूस पिला रहा होता क्या? नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ ना सिर्फ उसका ही जवाब दीजिए। आप आपके नाम से बुलाऊंगा तो वो आएगी क्या? मेरी वाली को मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो यार? ब्रदर आपके लिए कर रहा हूँ। अरे भाई मेरी बात का बुरा मत मानना, अरे वो पक्का आएगी। हाँ ये काफी है ब्रदर। और एक इम्पोर्टेंट बात है, हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो सब आपसे बोल नहीं सकते हैं। और कहना कि इसकी तो सिस्टर है, फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो गई तो फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आप भी ऑलरेडी बहुत कुछ खा के आए हैं ससुर से अपने, आपका चेहरा भी रजिस्टर हो चुका है, इसलिए जब तक मैं ना बोलूं तब तक उसकी तरफ मत जाइए। और ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं ऐसा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तो और आपकी गर्लफ्रेंड को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ओके भाई, शादी के बाद कीर्ति की अच्छी देखभाल करेंगे ना? अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा भाई। वादा? तेरे चीजा का वादा है। समझिए आपका काम हो गया, तुम्हारी बहन से शादी करके हम दोनों एक हो जाएंगे और हम अलग ये अलग है? अरे आप पे भी भरोसा है मुझे। हम भी आप पर भरोसा करते हैं इसलिए हेल्प कर रहे हैं। और पेमेंट हो जाएगा, हो जाएगा। जीएसटी के साथ कर देना और सर्विस टैक्स मिला के कर देना, ठीक है? और सिस्टर का वो लवर हमारे लिए सिस्टर है ना, सॉरी साले साहब, उसका रेगुलर शेड्यूल पूछ लेना, उसके हिसाब से प्लान कर लेंगे। वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप तो फुल्ली अपडेटेड है, सुपर, बाकी सब हम देख लेंगे। आप लोग सिर्फ देखने के लिए ही हो, ठीक है? भाई सुन, वो लड़की सुबह से शाम तक घर में रहती है और कभी कभी बगल वाले मंदिर में जाती है,
और वहाँ पे कुछ देर पूजा पाठ करती है और ठीक 4 बजे के बाद वो घर से कोचिंग क्लास के लिए निकलती है। लेकिन आजकल उसकी कोचिंग क्लास इन महाशय की वजह से बंद पड़ी है। उसके घर वाले अब उसे फॉरेन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ काम से वो बाहर गई हुई है, लेकिन रात को 10 बजे तक रिटर्न हो जाएगी। बराबर 10 बजे रिटर्न होगी, ऐसा दावे से कैसे बोल सकता है तू? उसका बाप फोन पर किसी से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था, तभी पता चला। मुझे लड़की उठाने में तकलीफ है, कार उठाना इजी है यार। क्या कहना चाहता है? मेरे लिए लड़की वड़की उठाना बहुत ही मुश्किल काम है, कार उठाना इजी है। अच्छा मैं जब बोलूंगा ना तब उसे फोन करना। अच्छा सुन, उस वेटर से बात की क्या तूने? क्या सर, गजा सर के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? जब आप सिग्नल देंगे तो उसके घर फोन ही रखना है ना, सो जाएगा। सारी सेटिंग कर दी है। ठीक है। इसमें क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फूड ऑर्डर किया था ना, वही देने आया हूँ। हमने तो ऑर्डर नहीं किया है सर, इसी घर से ऑर्डर आया था सर। एड्रेस बराबर है क्या? सर देख लीजिए प्लीज सर, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। ऑर्डर लेकर आया हूँ सर। सर लीजिए सर, सुजी से आ रहा हूँ। खाना ऑर्डर किया था क्या सर? खाना सर, मेरा बिल दे दो सर। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। एक मिनट रुक जाओ। अरे यार मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। तो रूम नंबर अंदर सीधे जा जी, वही ठीक है सर। हेलो रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? खाना ऑर्डर किया था सर। मैं कब से बोल रहा हूँ। अरे कौन है आप लोग, क्या शोर मचा रखी है? खाना ऑर्डर ही नहीं किया। अरे सर आपका ऑर्डर है। कब से बोल रहा हूँ कि मैंने कोई ऑर्डर ही नहीं किया है, आप ऐसे कैसे खाना लेके आ सकते हैं? नहीं चाहिए मुझे ये सब ऑर्डर, लेके जाइए आप। यहीं से ऑर्डर आया था सर, यहीं से ऑर्डर किया गया था। मुझे आएगी बुला था ना, अभी तक आए नहीं। अरे हाँ सर। यार ए रुको रुको रुको, जिस नंबर से ऑर्डर किया था वो नंबर है ना, कॉल करो उस पर। देखिए ना, खाना पैसे चाहिए मुझे। हाँ सर, नंबर बज रहा है। सर कैसे बात कर रहे हैं? ये फोन अंदर कैसे आया? तो वहीं पर नजर है। ठीक है तभी तुम खाना लेकर के आए सर। सर हमारा बिल दीजिए सर। ए वार ये उधर दे, उधर लगता है कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है। मैं वहाँ जाकर देख के आता हूँ, आप यहीं पर बैठे रहिएगा। तू पीछे से आ जा। चल चल चल। अरे क्या कर रही है? अरे क्यों फोन बजा रहा है तूने? मेरी बेटी, मेरी बेटी। ए, उसे फोन लगा। हाँ लगा था। हाँ हेलो भाई। हेलो, गजानन के लव के बारे में क्या हुआ? उसने सब गड़बड़ कर दिया यार। क्या यार, वो वहीं फंस गया क्या? अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उसकी वाइफ बात कर रही है। क्या उसकी वाइफ? क्या बोल रहा है तू, उसकी शादी हो गई है? हाँ। अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैं उनकी बीवी हूँ, मैं घर पर हूँ और तुम लोग किसी और लड़के के साथ उनकी सेटिंग करवा रहे हो। मैं तुम लोगों को ढूंढ रही थी, एक बार तुम लोग मिल गए ना। उन्होंने ही कहा था कि वो लव करते हैं। क्या लव? घर में इतनी सुंदर बीवी होते हुए वो बाहर किसी और से लव करेगा क्या? ए, दिमाग खराब है, हट गई है क्या तेरी? अफ्रीका के जंगल की मोटी अजगर, मेरे दोस्त इसकी बातों पर भरोसा नहीं करना। मैंने इससे शादी नहीं की, इसने मुझसे शादी की है। मैं अभी तक कुआ रहा हूँ भाई, इसकी बातें मत सुन। इतनी बेइज्जती मेरी। मेरे दोस्त से बात मत कर, तो चल फोन दे, आज तो मैं तुझे ओएलएक्स पे ही डाल दूंगा। ए, तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना? मेरा दिमाग खराब है क्या कि मैं मजाक करूंगा? हम लोग फंस गए यार, बहुत डर लग रहा है, कहीं हम वीरप्पन ना बन जाएं। अरे यार हम लोग एक काम करते हैं, इस लड़की को यहाँ ऐसे ही छोड़कर भाग जाते हैं, होश में आएगी तो खुद ही चली जाएगी। ए, क्या मजाक चल रहा है क्या? मुझे उस पे पहले से ही डाउट था, तूने बोला पूछताछ की है मैंने। सच में पूछताछ की थी भाई, सब कुछ क्लियर था, लेकिन अपनी बीवी वाली बात इसने छुपा ली। मन तो कर रहा उस मोटे का मुंह फोड़ दूं। अब क्या, एक लड़की का किडनैप करवाया तूने, तेरी तो नम है।
हेलो हे मेरी लड़की का किडनैप करके किधर जाओगे तुम लोग? कमिश्नर से बात करके एक घंटे में तुम लोग को पकड़वाता हूँ। मार मार के हड्डी पस्ती एक करवा दूंगा। कौन है? अरे यार पता नहीं कौन था, बहुत चिल्ला रहा था, बहुत डर लग रहा है। इस बार तो ही बात कर। हेलो सर, सर फोन मत काटिएगा प्लीज। सर गुस्से में वो बहुत कुछ बोल गए थे। उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। प्लीज आप लोग मेरी बेटी के साथ कुछ मत कीजिएगा। जो कहेंगे हम लोग करेंगे। 10 लाख लेकर आओ, एक का 5 लाख, 2 दिन में। हेलो हेलो, टेंशन मत लीजिए आप, आपकी लड़की हमारे पास सेफ है। 10 मिनट में आपको कॉल करता हूँ। हे तूने 10 मिनट में फोन करने के लिए क्यों बोला? सुन हा? इस लड़की को तो छोड़ना ही पड़ेगा। हा? अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। परसों पुलिस को पैसे भी देने, नहीं दिए तो हमें मार डालेगा, इसलिए वो पैसे इनसे वसूलते हैं। यार फिर से तो कोई गड़बड़ नहीं होगी ना? यार फोकट में छोड़ने से अच्छा पैसे लेके छोड़ते हैं। सुन अगर हम लोग प्लानिंग करके किए ना तो हम लोग नहीं फंसेंगे। ठीक है ठीक। ये लीजिए फोन। हाँ बोलो। सुनिए मुझे 10 लाख अर्जेंटली चाहिए, कल शाम तक दे दो, आपकी लड़की ले जाओ। 10 लाख? हाँ मैं दे देता हूँ, पर मेरी लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर पुलिस के पास गए ना तो याद रखना आपकी लड़की हमारे पास है। कैसे लोग हैं ये, बार्गेनिंग भी नहीं किया, 10 लाख देने के लिए तैयार हो गए? थोड़ा बढ़ा के बोलता तो मेरी शादी भी नहीं पड़ जाती। चल देखो जो खाने को मिल रहा ना चुपचाप खा लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर पिज्जा बर्गर नहीं मिलने वाला है। और अगर तुम्हें लगता है कि वो गजानन बहुत शरीफ है तो सुन लो उसकी शादी हो चुकी है, बाल बाल बच गई, भगवान का शुक्र मनाओ। खा लो खा लो, जो मिला है खा लो। ध्यान से सुनना। हाँ सुन रहा हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ, इधर उधर मत देखना। अपनी कार को यहीं पर छोड़ के ऑटो पकड़ के गणेश मंदिर के पास चले जाना। अगर पैसे के बैग में कुछ ट्रैकर वगैरह रखा होगा ना तो तुम्हारे पीछे 12 लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, याद रखना। क्या 10 लाख के लिए 12 लोग? क्यों और चाहिए क्या? सुन इज्जत से ऑटो पकड़ के मंदिर चले जाना, तेरी गाड़ी और लड़की वहीं पर मिल जाएगी तुझे। पैसा लेकर चीट कर लिया तो? अच्छा पैसे देने में अगर तूने चीटिंग की हो तो मुझ पर भरोसा करने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वही कर, चल निकल। हेलो हेलो हेलो, गाड़ी छोड़ के रिक्शा पकड़ने को बोल रहा है ये ऑटो। बोलिए सर, किधर जाना है? गणेश मंदिर चलो। हाँ आइए आइए बैठिए, चलो जल्दी अर्जेंट है। ओके कोई दिख नहीं रहा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ बस यही पे रोक दो, यही पे रोक दो। हाँ ये लो। लड़की तो नहीं है यार? सुपर यार, अपना पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तू एक काम कर, तू एक बढ़िया सा गाड़ी तैयार करके बराबर 12 बजे गोल्डन ब्रिज वाले वसंत विहार कॉम्प्लेक्स पे आ जाना, समझा क्या? और हाँ तू अपने मोबाइल से फोन मत करना, दूसरे किसी फोन से कांटेक्ट करना। ठीक है। हेलो हेलो, ये बैलेंस भी अभी खत्म होना था सर, जरा फोन देंगे, एक अर्जेंट कॉल करनी थी। थैंक यू सर। अगर कहीं मिल गया ना तो शिट। हेलो हेलो सर, मैं हूँ, पहचाना क्या? हाँ बोलिए। जिस तरह इज्जत के साथ कार वापस किया ना, लड़की भी वापस कर देंगे, बस मेरी बात सुनिए। आज की रात ठीक 12 बजे गोल्डन ब्रिज पे। हाँ, क्या था वो? नहीं नहीं, वसंत विहार कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर आपकी लड़की को छोड़ देंगे। क्या गोल्डन ब्रिज? यस। क्या आप लोग पैसे लेके इतना दौड़ा रहे हो? हाँ ओके 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 ओके।
गोल्डन ब्रिज बोला या वसंत विहार कॉम्प्लेक्स? ओह गॉड, अरे सुन यार, मुझे होने वाली बीवी की याद आ रही है। यार शादी से लेकर हनीमून तक जिलजिल ट्रेवल्स में ही ट्रेवल करेगी वो, लेकिन टाइम पर नहीं आया तो मैं भड़क जाऊंगा। ऐसे टाइम पे कैसी बात कर रहा है तू, जाके दरवाजा खोल, मैं कॉल करके आता हूँ। जिलजिल ट्रेवल खोल दिया तो अपने आप को अंबानी समझ रहा है, देखता हूँ बाद में। इसलिए मुझे आगे से भेज के तू पीछे से आया क्या? अभी पता चला क्या? जा गाड़ी का दरवाजा खोल। अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है यार, हम तुझे तेरे घर में ही छोड़ने वाले थे ना, थोड़ी सी भी सबर नहीं कर सकती? संभाल के, नहीं तो काट लेगी। तू संभाल इसको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, ठीक है? चलो चलो चलो, तेरे चिपका दे, मैं आता हूँ। लेमन राइस खा के तू इतनी भारी कैसे हो गई? पैसा संभाल के रखा है ना, मैंने इंस्पेक्टर से बात की है, वो नाइट ड्यूटी पर ही है। लड़की को छोड़कर पैसा उसके मुंह पर फेंक कर आएंगे हम, चल चलते ए, बाकी पैसा तेरी शादी के लिए रख लेना। सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। पैसे के लिए लड़की भी है? अच्छा चल, कहीं इसको भी तो प्यार नहीं हो गया इससे। ए, क्या सोच रहा है अभी तू? पैसे वाली है ना, इसीलिए तो उसके बाप ने 10 लाख दे दिया तुरंत। जब पैसा चाहिए रहता तो हम अपनी सारी गलतियों को सही समझ लेते हैं। सुन भाई, ये गलत सही कुछ नहीं होता है। पुलिस वाले ने क्या बोला, चोरी कर, मर्डर कर, कुछ भी कर, बस उसे पैसे चाहिए। ये किधर जा रहे हैं? हमें तो उस तरफ जाना है ना यार। ए, तूने जो कहा उसी रूट पर तो हूँ। ये गलत रूट है, वसंत कॉम्प्लेक्स वहाँ पर है। वसंत कॉम्प्लेक्स? ए, तूने गोल्डन ब्रिज बोला था यार। हा? अरे यार, रोज गोल्डन ब्रिज का दो चक्कर मारता हूँ, मुझे मत सिखा, समझा? क्या गोल्डन ब्रिज? हा? यार अभी तू गलत बोल रहा है, मैंने वसंत विहार बोला था। मुझे बोला वही इम्पोर्टेंट है या मैंने उसे बोला वही इम्पोर्टेंट है? मैंने जहाँ बोला वो वहीं पर वेट कर रहा होगा, हम लड़की को ब्रिज के ऊपर छोड़कर निकल जाएंगे। हाँ शायद तू सही बोल रहा है। ये क्या, रास्ता तो बंद है। चल कोई नहीं, उस तरफ से चलते हैं। नहीं यार, उधर से जाएंगे तो फंस जाएंगे हम लोग। लड़की को यहीं पर छोड़ देते हैं, यहाँ सेफ है, ठीक है? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। बस देख मैं क्या करता हूँ। ये बिना, अरे ये क्या फंसा हुआ है, दिखता अच्छा, नहीं क्या तुझे क्या? हेलो, पैसे रेडी किए के नहीं? हाँ सर, रेडी कर चुका हूँ सर। कब देगा? आज मैं खुद आके दे दूंगा सर। हे, यहाँ हाँ? छोड़ देंगे तो वो लड़की बराबर चली जाएगी। क्या बोल रहा है, बहुत होशियार है वो, जरा सा बच गया, नहीं तो मेरा सर गया था। अरे ये तो छोड़, समुंदर में डाल देंगे ना तो भी तैर के निकल जाएगी। चल उतर के देख, कोई आ तो नहीं रहा है। ए सत्या, लड़की किधर गई? पैसे भी लेकर गई क्या? मैं बोला था वहां से चलते हैं, भाग गई ना वो, अब कहाँ ढूंढेंगे, पैसे भी गए। देख सब तेरी वजह से हुआ है, समझा? हाथ में रस्सी भी ठीक से नहीं बांध पाया, खोलकर भाग गए ना आखिर। मुझे ताव दिखा रहा है, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। हेलो सर, कहाँ हैं आप? आप जिधर बोले मैं वहीं गोल्डन ब्रिज पर वेट कर रहा हूँ आपका। पहले तुझे बोला था ना। हेलो, गोल्डन ब्रिज नहीं, वसंत विहार कॉम्प्लेक्स बोला था मैंने। आप भी क्या सुनते हो, कहाँ चले जाते हो? अब एक काम करना, मेरा दिमाग मत घुमाओ। आप सुनो, आप सीधे हावड़ा ब्रिज पे चले आना, वहीं पे मिलेंगे। हावड़ा ब्रिज यहाँ कहाँ आएगा, वो तो कलकत्ता में है। हाँ
ये तो यही है। अरे वो सामने खड़ा है, चल गाड़ी में बैठ। पकड़ो उसे। नमस्ते सर। लड़की का है पता नहीं है सर, पर लड़के लोग पैसे लेके भाग गए सर। वो लोग पूरा पैसा लेकर धोखा देकर चले गए सर। उन लोगों को पकड़ लेंगे तो सब पता चल जाएगा सर। लड़की गायब होने के बाद बहाने मार रहे हो? लड़की को घर पे संभालने नहीं होता, वो आया लड़की उठाया ऐसे बोल रहे हो? वो लड़की खो गई तो कितना प्रॉब्लम होगा पता है? मैं अभी भाई को क्या जवाब दूंगा? एक लड़की भाग गई और दूसरी ने भागने की कोशिश की। ए! क्या कर रहे हो सुबह से? हाँ? फोन ठीक हुआ कि नहीं अब तक? भाई ट्राई किया, नहीं हुआ। अभी चार्जिंग पे लगाया हूँ, चार्ज होते ही थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा भाई। हेलो हेलो सर, आपके पास जो फोन है वो मेरा है सर। जिस लड़के से शादी करने वाला उसने मुझे गिफ्ट दिया था सर। उसके साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है सर, नहीं तो मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी सर। आप कहाँ हैं बता दीजिए, मैं आकर ले लूंगा। हेलो हेलो सर। सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सर मेरा मोबाइल यूज मत कीजिएगा सर, दूसरा सिम कार्ड डालेंगे तभी मुझे पता चल जाएगा। मोबाइल में ट्रैकर डाला हुआ है मैंने, पुलिस के पास जाकर सब बता दूंगा। हेलो भाई। हाँ? पुलिस में क्यों जा रहे हो भाई? आप किधर हो बताओ मुझे, मैं खुद आकर देता हूँ। उसी वाला डिपो के पास खड़ा हूँ, आकर दे देंगे क्या सर? हे hey, हाँ भाई। इन दोनों को गांव वापस भेज दो, तुम लोग को इनके घर के आसपास मत जाओ, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। बाहर किसी को कुछ बोलना मत। ठीक है। पक्की बात कर चुका हूँ, एडवांस में भी बड़ा अमाउंट दिया है। लड़कियों की हाइट, वेट, बाकी डिटेल सब मेल किया है, समझे ना? पहले जैसी छोटी मोटी गलती मत करो, इस डील के बाद अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। टेंशन क्यों ले रहे हो? हम जिसे भेज रहे हैं उसका कोई बैकग्राउंड रिकॉर्ड नहीं है, उन लड़कियों के यहाँ से निकलने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा किसी को। उन्हें बाकी की ट्रेनिंग मैं दे दूंगा। एक मिनट। हाँ बोल। पाली, आपका ही नाम है ना? जी सर, मेरा ही नाम है सर। ये आपका फोन है क्या? जी सर, मेरा ही फोन है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। पैसा लेके फ्रॉडगिरी कर रहे हो? मेरी स्वीट हार्ट कीर्ति कहाँ है? इनमें से किसने मुझसे बात की थी? इसने। हे, तूने ये सब कैसे किया बे? तुझे देख के तो ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, पैसे के लिए किया होगा, तेरी भी कुछ मजबूरी होगी। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए मुझे बता दे वो लड़की कहाँ है। सर वो लड़की कहाँ है मुझे नहीं पता है सर, पैसा भी लेकर चली गई सर।
इन लोगों के बजाय आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? और सर अगले हफ्ते मेरी शादी है सर, अगर मेरा फेस खराब हो गया तो शादी भी कैंसिल हो जाएगी सर, प्लीज सर। सर मुझे कुछ पता नहीं है सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। आप जितना बोल रहे हो उसे 10 लाख में ज्यादा दे सकता हूँ, पैसा तो हाथ की मैल है। एक बार कीर्ति से मेरी सेटिंग करा दीजिए, आपका तो मैं मंदिर बनवा दूंगा, बिलीव मी। क्या बकवास कर रहे हैं लोग? सर वो लड़की कहाँ है हमें नहीं पता है सर, अगर पता होता कि उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम होगी तो हम उसे उठाते ही नहीं। वो लड़की कौन है सर? आप उसे क्यों ढूंढ रहे? उसके माँ बाप को ढूंढिए ना, उसने हमारे साथ धोखा किया है। मैं खुद गुस्सा हूँ उस पर सर। तू गुस्सा है? मेरा डायलॉग तू बोल रहा है? अच्छा हुआ इसने मुझे नहीं मारा। अरे ये कितना बड़ा उठा के ला रहा, ये साइज अपने को फिट नहीं होगी। आज दिन ही खराब है भाइयों, बच गए। आ रहा था, कहाँ गया तू? भाई तू सेफ है ना? तू कहाँ रह गया? तुझे कुछ हुआ? उस लड़की को कैसे भी ढूंढ ले यार, नहीं तो ये लोग मुझे कुंवारी मार डालेंगे, मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। बचा ले मुझे। हेलो, तूने मुझे चोट पहुंचाई, फिर भी कोई बात नहीं, उस लड़की को मेरे पास लेके आ, अपने दोस्त को लेके जा। तुझे माफ कर दूंगा, मुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए। तेरे पास कल 12 बजे तक का टाइम है, और अगर कोई चालाकी की तो तेरा दोस्त और तू तेरी फैमिली हेलो भाई, पहले मेरा हाथ खोल दे फिर बात करना। दिमाग का दही मत कर, निकल यहाँ से तू। हेलो, कोई है क्या? इतना सन्नाटा क्यों है? कोई तो कुछ बोलो। बोलने के लिए बोला था यार। मेरा नाम कीर्ति है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट में पली बढ़ी और वहीं से मैंने पूरी पढ़ाई की। हमारे वार्डन राजा राम सर, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और सबकी भलाई चाहते हैं। उनके स्टूडेंट्स आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे पोजीशन में हैं। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम जैसे लोगों को ट्रस्ट दूसरे लोगों को देना पड़ता है। तुम लोग समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत बना लो। डेली पेपर्स, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, सब कुछ ध्यान से देखा करो। किसी भी प्रकार की जॉब या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो तो वो तुम लोगों के काम आया करेगी। नोटिस बोर्ड पर हमें खुद लगाना पड़ेगा, लाइफ में सेटल होने के लिए ये बहुत जरूरी है। ए, देख तो, बहुत अच्छी जॉब है। ओ, कम से कम हर महीने 50,000 सैलरी ऑफर कर रहे हैं। पहले 4 महीने की सैलरी वो लोग ले लेंगे,
फॉरेन में? ये तो बहुत अच्छा है. यू नो, जॉब सिक्योरिटी, इंक्रीमेंट, वहाँ सब कुछ मिलेगा. हमें भी अप्लाई करना चाहिए ना? हमें लगा कि ये जॉब हमारे करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी. हम दोनों वहाँ इंटरव्यू देकर सिलेक्ट भी हो गए. और फिर मैडम, आपके रूम में टॉवल नहीं था इसलिए टॉवल रखने आया हूँ. ओके, थैंक यू. मैडम, आपको कुछ और चाहिए क्या? और कुछ मतलब? मेरा मतलब बियर, वाइन, विस्की या कुछ और. क्या? चल निकल. सर, पट्टी लगा दी है, ठीक हो जाएगा. ठीक है. उसके दोस्त को गोडाउन में डाल दिया है. आप रेस्ट कर लो, मैं देख लेता हूँ. क्या खाक देख लेगा? तेरी वजह से ये सब गड़बड़ हुआ. पहले जैकी को फोन लगा, बोल दे लड़कियों की तबीयत ठीक नहीं है और कुछ दिन का टाइम मांग ले. लेकिन अगर वो ये बोलता है कि जिस लड़की को उसने बोला है पहले उसे भेज दो, नहीं तो कस्टमर चिल्लाएगा, तो तू कोई भी बहाना करके उसे टाल देना. बोल देना कि डेंगू हुआ है, एयरपोर्ट में अलाउ नहीं करेंगे. बाकी मैं देख लूंगा. तो मुझसे पंगा लिया है ना, दिखाता हूं उसका घर कहां है. हेलो भाई, घर पे ताला लगा है, फैमिली को कहीं और शिफ्ट कर दिया है. हेलो. हेलो, सुनाई दे रहा है क्या बेटा? हाँ बोलो ना. हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, तू भी आया होता तो अच्छा होता. यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा. तू होता माँ, तो मुझे दो ना. अरे हेलो भैया, मम्मी जब देखो मार्केट और मंदिर में घूमती है और मुझे भी अपने साथ टॉर्चर करती है. ए, माँ के साथ जाना पसंद नहीं है? अच्छे से माँ की बात सुनना, नाटक करेगी ना तो देख लेना. चल रख फोन. भाई तू सच्चा भाई है, हमारे लिए फैमिली को मंदिर भेजा. मेरी लवर कीर्ति, उसके लिए भी पूजा करने को बोलो ना. ए, कीर्ति के नाम से हम पूजा करें? कौन है वो लड़की, हम क्यों पूजा करें? और तो और, वो उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे भाई मैं खुद कंफ्यूज हूँ, घर पे जाऊंगा तो ताला लगा होगा. ताला लगा होगा? अरे तेरी शादी हुई है, ये बात क्यों नहीं बताई? मैंने शादी की नहीं है, मुझसे जबरदस्ती कराई गई है. अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कीर्ति ने हाँ बोल दिया ना तो मैं उस काली बंदर को अभी के अभी डिवोर्स दे दूंगा. वो काली बंदर तो तू चिंपैंजी है. भाई गाली देना है तो इज्जत है दो, इस तरह से दोगे तो मुझे टेंशन हो जाता है. तुझे टेंशन हो रही है? अरे तेरी तो, तेरी वजह से मेरा फ्रेंड वहाँ पर फंसा हुआ है. तो भाई भाई भाई, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा दोस्त फंसा हुआ है. अब उसे कैसे बचाना है वो सोचो, मुझे टेंशन देने की जरूरत नहीं है. मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? भाई बोल, उधर है ये क्या झोल झपटा कर रही है? मैं हेल्प कर देता हूँ, आ जाओ. ए, क्या 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 कर रहा है? नीचे उतर. तुम दोस्त के लिए जा रहे हो, मैं प्यार के लिए जा रहा हूँ. चलो चलो. अरे चलो, सब देख रहे हैं. अरे चलो ना, क्या हुआ, घबरा रहे हो क्या? अरे चलो चलो, बचाने चलते हैं दोस्तों को. छे छे, देखो उसका दोस्त अपने पास है, वो उसे ढूंढने जरूर आएगा. अब मैं उसका वेट नहीं कर सकता. कल रात को गायब हो गई ना, और 10 लाख रुपए भी, और उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है. इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे उसका गेम बजा देना है. आश्रम में पढ़ने वाली कीर्ति नाम की लड़की 10 लाख रुपए लेके अपने यार के साथ भाग गई, और लड़के की पूरी फैमिली उसे सपोर्ट कर रही है. ऐसा पोस्टर बनवा के पूरे शहर में लगवा दे, उसके बाद तो पुलिस स्टेशन में जाके केस फाइल कर दे. अगर वो खुद भी आके सच्चाई बताए तो उसकी बात कोई ना माने, खुद ब खुद वो मछली जाल में फंसेगी. देखते रहना, साथ में उसका यार भी आएगा. तू अभी बाकी लड़कियों को भेजने के लिए पासपोर्ट अरेंज कर. जब तक वो लड़की नहीं मिलती मैं चेन्नई नहीं जाऊंगा, समझा क्या? ठीक है. hey,
एक फोटो दिखा। मेरे फ्रेंड की बहन है, कल रात से मिल नहीं रही है। आप लोगों में से किसी ने देखा है? नहीं 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 नहीं। ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी। ब्लू कलर की टी शर्ट, हाँ याद आया, करीब रात 12 बजे मेरी गाड़ी में आई थी, मैंने ड्रॉप किया था उसे। आप ही ने ड्रॉप किया था? हाँ, वहाँ सिग्नल के आगे बस स्टॉप पर। ओके, किधर रही है पांडिचेरी? अपनी वाली तो पीती नहीं भाई। शुक्र है तूने फोन उठा लिया, उसका तो फोन ही नहीं लग रहा। उसने कहा था कल तक आ जाऊंगा, पर अब तक नहीं आया है। जरा उसे फोन दे दो। मैं अभी बाहर आया हूँ माँ। 4 दिन में शादी होने वाली है और अब तक नहीं आया है। ऐसा क्या काम पड़ गया उसे? पता है उसकी मंगेतर कितनी घबराई हुई है, उसे तो एक बार फोन कर सकता था ना। वो वाली फिल्म है क्या? हैं? वो है? बोल रहा था कि उसका फोन घूम गया, मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स को इनविटेशन देने गया होगा। देखे आ जाएगा माँ। अरे वाह। हेलो हेलो हेलो, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? एक मिनट में। हेलो हेलो, मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं चाहिए। कौन है ये? बताना कौन है। तू यहाँ क्या कर रहा है? हे, मैंने एजेंसी खोली थी तुझ पे भरोसा करके, तूने तो मेरी वाट लगा दी। मैंने सिर्फ लोन लिया था, पर तूने मुझसे चीटिंग की है। अब ये बता, तेरा पुलिस वाले के साथ चक्कर क्या है? भाई, तुम जैसे कितने लोगों को मैंने देखा है। तुम लोग मिडिल क्लास के लोग हो, तुम लोग इतनी बड़ी बातें सोच ही नहीं सकते हो। हाई फाई तो तुम्हारे दिमाग में ही नहीं है। मैं पुलिस से बात कर लूंगा, थोड़ा लेना देना पड़ेगा। मैं कहूंगा तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। हां, छोड़ने बोल देगा? अरे उसी की वजह से मैं इतना भाग रहा हूँ। मुझे गुस्सा मत दिला, इससे क्या करूँ मैं? इस पे वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, इसे छोड़ दे, ऐसे ही मर जाएगा। ए जंगली बिल्ली। ए, ए, सुन सुन, जितना भी गंदा गाली देना है दे, लेकिन इज्जत से दे, नहीं तो मुझे टेंशन हो जाता है। भाई भाई, क्या कर रहे हो? अरे हम लोग बैठ के बात कर लेंगे ना। काम करते हैं, इसके मुंह में ये कपड़ा ठूस देते हैं, तब से मुझे टेंशन दे रहा है। ए, भाई भाई, कूल डाउन भाई। बहुत अंग्रेजी बोल रहा है, मुंह में ठूस दे। मिडिल क्लास बोला था ना, हाई फाई लोगों की तरह सोच नहीं सकता हूँ, लेकिन क्रिमिनल की तरह सोच सकता हूँ। तुझे लटका के मारने वाला हूँ। वाह, क्या निशाना है। फिर सब बोलेंगे किसी वजह से तूने फांसी लगा ली, क्योंकि तुझे खोजेंगे तो कईयों का नाम बाहर आएगा ना। भाई क्या कर रहे हो तुम? ये उठाना इसको। इसको उठाऊं मैं? चलते कभी। अरे रुक रुक ना, अरे रुक, बता रहा हूँ, रुक जा, सब बताता हूँ। ए, इसका मुंह दिख रहा है ना? हाँ हाँ, गटर के ढक्कन की तरह दिख रहा है, एकदम मस्त। बोल। वो इंस्पेक्टर मेरा ब्रदर ही है भाई। क्या ब्रदर? ब्रदर ब्रदर क्या कर रहा है ये? क्या बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? मैं फिर से पहले से शुरू कर दूंगा। मुझसे मजाक कर रहा है। ए, तू चुप बैठना, तू बोल। इंस्पेक्टर मेरा भाई है, जितनी भी सिटी में अननोन प्रॉपर्टी है मैं उसे रख के तुम जैसे जरूरतमंदों को मैं बैंक से लोन दिला देता हूँ। फिर टोटल अमाउंट में उनका 50 और मेरा 50, फिर मैं जितना भी लोन लेता हूँ उनकी डिटेल उनको देता हूँ, फिर वो उन्हें धमकी देके और पैसा ऐंठ लेते हैं, उसमें भी उनका 50 और मेरा 50। अननोन प्रॉपर्टी को रख के हम लोग एक एप्लीकेशन डेवलप कर चुके हैं भाई। इस वीडियो को अगर अपलोड करेंगे तो यूट्यूब वाले भी कमाएंगे।
हम लोग आपस में मांडवली कर लेंगे ना भाई। भाई ये तो कमाल का निकला भाई। हाँ इसीलिए बांध करके रखा है ना। ये एक ही अंडे को उबाल रहा है और उससे ऑमलेट भी बना रहा है। ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, टेढ़ी करनी पड़ेगी। कुछ पीने को लाता हूँ। अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, दुकानें सब बंद रहती हैं। इसको इतना भी नहीं पता है, इसको अगर साथ में रख के घूमोगे ना भाई तो तुम्हारा भी ऊपर का माला खाली हो जाएगा। हिला कर रख दिया था मैंने, तो भाई वो पुरानी हो गई है। तुम मेरी रस्सी खोल दो, फॉरेन माल, फुल बॉटल, ब्रांड न्यू। हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे ना भाई। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेरा बयान ही काफी है। अब देखना मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। भाई भाई मेरी बात सुनो भाई। तारीफ करो चाहे ना करो, बदनामी चाहे कितनी भी कर लो, जीत तो हमारी ही होगी। जीत हमारी ही होगी, कमल जरूर खिलेगा। समय सर है क्या? एक्चुअली मुझे समय सर ने यहाँ बुलाया था। जी आप मुझे पहचानते नहीं है? जी नहीं कुछ नहीं, समय सर ने आपको बुलाया था? हाँ बुलाया था, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी उन्हीं के पास है। मैं उनको देने के लिए कैश भी लेकर आई हूँ। मेरा नाम कीर्ति है, प्लीज उन्हें बता देना कि मैं आई थी। ठीक है आप कहीं मत जाइए, मैं उनका असिस्टेंट हूँ, आप यहीं पर रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है ए, ये बता कीर्ति नाम की लड़की तुझे मिलने क्यों आई है? वो लड़की इतनी जल्दी आ गई, 4 बजे आने को बोला था, 3 बजे ही आ गई। भाई मैं तो स्टेटमेंट दे चुका हूँ ना, रस्सी खोल दो, मुझे उस लड़की से बात करनी है। अरे उसे ढूंढने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसे लेकर क्यों आई है? सच बता उसका सर्टिफिकेट तेरे पास कैसे आया? अगर तूने सही नहीं बताया तो तेरा वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा। अरे यार मैं तुम्हें सब सच सच बता देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड सतीश के रिकमेंडेशन पे एक लड़का आया था, उसने बहुत सी लड़कियों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे के फेक एड्रेस पे पासपोर्ट बनाने के लिए बोला। जब तक क्लाइंट सामने नहीं आएगा तब तक कोई काम नहीं बनेगा, मैंने साफ कह दिया। कुछ दिन बाद वो लड़कियों के साथ आया था, मैंने उन लड़कियों से पूछा कि आपको सब पता है ना, आप लोग की मर्जी से ही हो रहा है ना? ठीक है, जब मैंने उनसे ये पूछा था तो उन्होंने हाँ बोला था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए सर, मैं इन्हें जानता हूँ। मैंने ने ऑल द बेस्ट बोल दिया, तुम्हें भी बोलूं क्या? उस लड़की ने मुझे मेरे नंबर पर कॉल किया था। हमें ना ही पासपोर्ट चाहिए और ना फॉरेन जाना है, जॉब दिलाने के नाम पर हमसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। प्लीज हमारे सर्टिफिकेट हमें वापस दे दीजिए, सिर्फ वही हमारी आइडेंटिटी है। भाई ये बताओ क्या हम सोशल सर्विस करने के लिए बैठे हैं? हमने उससे पैसे मांगे तो उसने काम इतने नहीं दे सकते हैं। उसने अपने फ्रेंड से बात कराई, ये वही उसकी फ्रेंड है जो मुझसे मिलने के लिए आई है। 2 घंटे पहले फोन पे बात हुई थी, 10 लाख कैश, तुम्हारा 50 मेरा 50, डील ओके है ना? ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसको दे देंगे, जो फेक है उसे बॉस को दे देंगे, क्या बोलते हो? वो सर्टिफिकेट कहाँ रखे हैं? ऐसे पूछते रहो तो कैसे चलेगा, पहले रस्सी तो खोलो फिर निकाल के दूंगा ना। ए, क्या कर रहे हो भाई? अरे वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। हेलो ब्रदर, ब्रदर 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 मैं निकाल के देता हूँ ना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई। अरे सुन ना भाई, उसकी जीरोक्स कॉपी भी नहीं है। भाई सुनिए, सब गड़बड़ हो जाएगा, उसकी कोई जीरोक्स कॉपी भी नहीं है, सब ओरिजिनल पेपर है। ए, रस्सी तो खोलना यार। अरे बात तो सुनना यार, ए, सारे डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, वो लोग मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? उनसे मैं डील कर लूंगा, दोबारा किसी के साथ ऐसा किया ना तो जान से मार दूंगा। पूरे पैसे लेकर आई हूँ ना? हाँ लेकर आई हूँ सर। अभी सर से बात हुई थी, वो कुछ काम से बाहर गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट सब पालमपुर के ऑफिस में रखे हैं और मैं वहीं पर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आइए ना, मैं वहीं देता हूँ आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं कुरियर कर दूंगा, वो करीबन 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा आपके पास। नहीं सर मैं भी आपके साथ चलती हूँ, वहीं चलकर ले लेंगे। ठीक है फिर चलिए। ओके okay.
तूने मुझसे चालाकी की ना, अब तेरी वजह से मेरा फ्रेंड बाहर निकलेगा। चलो चलो फटाफट चलो चलो। आए भाई, इसके साथ कैसे जा रहा भाई? अरे अरे भाई बहन, दोनों मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बियर की बोतल लेके आओ। अरे रुको, अरे भाई भाई तू बियर पी। चॉकलेट चाहिए क्या? हम्म, नहीं चाहिए आपके। वो आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सर्टिफिकेट ही तो हैं, सर ने तो बोल दिया ना कि वो दे देंगे। हम सबके सर्टिफिकेट्स दे देंगे ना। सर जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं वो। पर बड़ी बात है, अकेली बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हो, बहुत डेयरिंग है आप में। आप चेन्नई से हैं ना? आपके माँ बाप को पता है क्या? अब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉब्लम से बाहर आऊं, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या करना है बताइए। वो क्या है ना, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। रास्ते में कोई पुलिस स्टेशन हो तो वहाँ लेकर चलिए ना। क्या कहा, पुलिस स्टेशन? उनको कैसे भी फंसाना है। किसको? जो मेरे साथ धोखाधड़ी करने वाले थे उनको। सुनिए, पहले इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाइए, फिर बाद में देखते हैं। ये तो मैं देख लूंगी, इन्हें फंसाना ही है। और भी कुछ लोग हैं, उन्हें फंसाना जरूरी है। और कुछ लोग हैं? दो लोग हैं, मुझे किडनैप करके इनके पास फंसाने वाले थे। वो अपना मुंह छुपा कर आए थे। मुंह छुपा कर आए थे तो उन्हें कैसे पहचानेंगे आप? उसका टेंशन आप मत लो, मैं पहचान लूंगी, मुझे पता है। दो लोग थे और उनकी एक ट्रैवल एजेंसी थी, उसका नाम कुछ जिल जिल ट्रैवल था। उसमें से एक के बाल घुंघराले थे, वो एक नंबर का पागल था और उसकी चार दिन में शादी होने वाली है। ये सब डिटेल्स मैं जाकर पुलिस को बता दूंगी। अरे ट्रैवलिंग एजेंसी का नाम कोई जिलजिल रखता है क्या? आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा बोल रहे होंगे। अगर ये बात आप पुलिस को बताएंगी ना तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले सर्टिफिकेट लीजिए, फिर घर पे बात कीजिए, उसके बाद आपको पुलिस के पास जाना है तो जाइए, ठीक है ना? ओके ना? अगर मेरा घर होता तो मैं यहाँ वहाँ क्यों भटकती? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज रात मुझे हैदराबाद जाना है और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स वहाँ फंसी हुई हैं। हम सब बचपन से दोस्त हैं, मेरी तरह उनका भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं उन्हें इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हैदराबाद आपका गाँव है क्या? हाँ, मैं वहीं पली बढ़ी और पढ़ाई भी मैंने वहीं के एक ट्रस्ट से की है। ट्रस्ट से बाहर निकलने का टाइम हो गया था, एक कंसल्टेंसी कंपनी ने फॉरेन में जॉब दिलाने का वादा किया था। हमने उस कंपनी में जाकर इंटरव्यू दिया और हम सिलेक्ट भी हो गए। आप लोग में से कुछ लोग ट्रस्ट से आए हैं, अब्रॉड में काम करेंगे तो आप वापस नहीं आएंगे, आपकी लाइफ वही सेटल हो जाएगी। वीजा और प्रोसेसिंग थोड़ा देखना पड़ेगा, बैंक बैलेंस भी दिखाना पड़ता है, इसीलिए चेन्नई में अपने जान पहचान वाले का एड्रेस, बैंक बैलेंस और कुछ डॉक्यूमेंट्स सब सेटिंग करनी पड़ेगी। सुनो, उस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? उसने कहा जाली पासपोर्ट बनाना है, फिर वो फॉरेन ले जाएगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ट्रस्ट से बाहर तो हम किसी को भी नहीं जानते हैं, हर कोई अनजान है हमारे लिए। इतनी छोटी सी तो बात है और हम अकेले ही थोड़े जा रहे हैं। ए, मान जाना यार। उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा और उसने हमारे लिए एक नकली फैमिली और नकली एड्रेस का इंतजाम किया। हम सोच रहे थे कि अब सब अच्छा होगा, तभी मेरी फ्रेंड तानिया ने हेलो। कीर्ति, तू कहाँ है इस वक्त? मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ, क्या हुआ? तू उसके साथ है तो उसे बताना मत कि तू मुझसे बात कर रही है, ठीक है? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जॉब दिलाने के नाम पर वो हमारा मिसयूज कर रहे हैं। तुझे याद है उस दिन हम समय सर से मिले थे ना? मैं उनसे बात कर चुकी हूँ,
वो डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। हेलो, हम बचने का रास्ता सोच ही रहे थे कि मैं जब मेरी फ्रेंड के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था, वहां कोई भी नहीं था। उन लोगों ने प्लान करके ही ये सब कुछ किया है। हम जैसे अनाथ लड़कियों को ही वो लोग टारगेट करते हैं। सॉरी, मैं सोच रहा था कि आपका कोई होगा इसलिए पूछ रहा था। आपका फोन आ रहा है, कोई जरूरी कॉल होगा, बात कर लीजिए ना। एक मिनट। हम हेलो यार, मैं बोल रहा हूँ। यार कहाँ है तू? फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाता है तू? इन लोगों ने किसी गोडाउन में मुझे छुपा रखा है, बहुत डर लग रहा है। तू डर मत यार, मैं कुछ भी करके वहाँ आ जाऊंगा। इधर आके क्या करेगा? पहले उस लड़की को देख, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। उस लड़की को मैंने देख लिया, वो अभी मेरे साथ में ही है। सुपर यार। उसकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम से बहुत बड़ी है यार। तुझे तो बचाऊंगा ही, पर उसे भी बचाना बहुत जरूरी है यार। क्या? अबे मेरी शादी होने वाली है, देख तुझे कसम है मेरी बैचलर पार्टी की। देख तू, वो लोग आ रहे हैं, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। फोन नहीं उठाया तो व्हाट्सएप तो रिप्लाई करेगा। कोई अननोन नंबर है। कॉफी पिए क्या? हाँ। आप पहले से ही समय सर के साथ काम करते हैं क्या? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रही? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। टू मिनट्स, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। ये लो, फोन कहाँ रखा मैंने? क्यों रे? फोन लगाया तो उठा नहीं रहा है। बस क्या यार, लगता है वो लड़की को उठा लिया तूने। चल चल अभी जल्दी, वो लड़की और उसका पासपोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ और तेरे दोस्त को लेकर जाओ मेरे पास से। हाँ, हेलो हेलो, ए क्या रे, कुछ बोल नहीं रहा है तू? हाँ ए, जल्दी लेकर आ मेरे पास। क्या तुझे लगता है वो मुझे तेरे पास ला के छोड़ेगा? और कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगा तू? अब ध्यान से सुन, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे सब पता चल चुका है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू बहुत बुरी तरह फंसने वाला है, अब देख मैं क्या करती हूँ। फोन ढूंढ रहा है, ये ले। ये कहाँ मिला? मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हें अपनी कहानी बताई, लेकिन तुम तो घटिया निकले। सुनिए, आप पहले गाड़ी में बैठिए। बात मत करो, तुमने सोचा मुझे किडनैप करके उसके पास छोड़ोगे और अभी शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो? आपको मेरी सिचुएशन पता नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मुझे सब पता है। तुम मुझे वहाँ फंसा कर अपने फ्रेंड को छुड़वाना चाहते हो ना, यही तुम्हारा प्लान है ना?
पागलों जैसी बात मत कीजिए। ऐसा होता तो मैं आपको सीधा उनके पास पहुंचा देता, समझी? आपको छोड़ने के बाद भी मेरे फ्रेंड को वो नहीं छोड़ने वाले। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस के पास जाकर कोई फायदा नहीं, मेरी बात समझिए। अब भी मेरे तेरे फंसी है, बहुत कुछ फेक क्रिएट करके पासपोर्ट तक ले चुके हैं। पुलिस के पास जाएंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। पुलिस की बात करिए, अरे तुम जानते नहीं हो, वो बहुत बड़े क्रिमिनल है, खुद भी फंसोगी और मुझे भी फंसाओगी। सुनो, तुम्हारी असलियत जान गई हूँ, अब तुम पे भरोसा नहीं करने वाली हूँ, और ये नाटक बंद करो। सर्टिफिकेट के बहाने तुम मुझे उसके पास लेकर जा रहे हो ना? वो सर्टिफिकेट कैसे हासिल करना है और अपनी फ्रेंड को कैसे छुड़ाना है मुझे पता है, लेकिन अब तू पूरी जिंदगी पछताएगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुनिए, आप सिर्फ अपनी फ्रेंड को बचाने की बात करिए, पर मैं उन सबका पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यकीन कीजिए। तो क्या हुआ है? कुछ नहीं, चक्कर आया है, सलाइन लगा लो। ओके डॉक्टर। बेटा, डॉक्टर साहब ने बोला ना बाहर वेट करने के लिए। कैसा लग रहा है बेटी? अब ठीक। अभी ठीक लग रहा है ना? वो लड़का कौन था जो यहाँ रहकर तुम्हारी देखभाल कर रहा था? जाने से पहले वो ये बैग देकर गया, कह रहा था कि उसका कोई दोस्त बहुत प्रॉब्लम में है। और उसने क्या कहा? और तो कुछ नहीं कहा। तुम आराम करो बेटी। क्या माँ जी, ऐसे क्यों देख रही हो? ये लड़की यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रही थी। साथ में सत्या नाम का लड़का भी था। 10 लाख की चोरी करने वाले अक्यूज हैं वो लोग। इज्जत से बता दो कहाँ हैं वो? वो लोग तो 1 घंटा पहले यहाँ से निकल गए हैं। आप लोग कौन हो? ए, जाकर ढूंढो। सुनो, मैंने कहा ना वो लोग चले गए। अरे सुनो, अरे सर, ये लेडीज टॉयलेट है, आप कहाँ जा रहे हैं? बताना कि आ रहे हैं, साइड में खड़ी हो जा, चल। भाई, सब जगह छान मारा लेकिन नहीं मिली। भाई ये आवाज, देख रही है तू? इसने ही चोरी की है। छोड़ो। बता कहाँ रखे हैं वो सर्टिफिकेट और पासपोर्ट? मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास नहीं है? प्लीज, तो किसके पास होगा? मुझे कहाँ ना कुछ नहीं है। उसने तुझे नंबर जरूर दिया होगा। ए, उसे फोन करके बोल दे लड़की मेरे कब्जे में है।
वो जरूर आएगा, देख क्या रही है, लगाना। तकलीफ हो रही है ना? तेरे पास जितने भी पासपोर्ट सर्टिफिकेट है ना, पैसा सब देके निकल जा, समझा? मैं भाई से बात करता हूँ, तेरे दोस्त को छोड़ देंगे। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले लड़की को छोड़। ए, इज्जत से बात कर रहा हूँ, फाइल दे दे मुझे। चल ठीक है, पर मैं तुझे वो क्यों दूँ? तुझे तेरा दोस्त जिंदा नहीं चाहिए क्या? दे के निकल जा। ए, मैं भी वही बोल रहा हूँ, पहले अपने दोस्त से मिलूंगा फिर तुझे वो दूंगा। अब लड़की को छोड़ और निकल यहाँ से। ए, सुना, ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। खत्म करो इसको। सीधी बात समझ में नहीं आती तुम सब लोगों को। मारो इसे। सिस्टर, वो लड़की? वो तो कब की चली गई बेटा। उस लड़की के लिए तूने मुझे मारा ना, वो तुझे भी धोखा देकर चली गई। हे, ये क्या, आप यहाँ बैठी हो? वो लोग आपके पीछे पड़े हैं, जानती है ना? जब तक आप घर नहीं जाती मेरी टेंशन खत्म नहीं होगी। मेरे फ्रेंड को मैं कैसे भी करके बचा लूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आज आप ही की वजह से उन गुंडों से मेरी जान बची है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। ये सब क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। देखिए, आप ऐसा क्यों बोल रही है? पहले आप रोना बंद कीजिए। आपकी भलाई के लिए। एक मिनट, आप यहाँ हैं ये सिर्फ मुझे और आपको ही पता है, तो उन्हें कैसे पता चला जो करेक्ट यहाँ पर पहुँच गए? एक काम करना, आपके ट्रस्ट में फोन करके बोलना कि डोनेशन देना है, वार्डन से मिलना है, अब कहाँ है पूछ लेना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या है, जस्ट डायल में से आपके वार्डन का नंबर लेके सिर्फ उनको ही बताया था कि आप यहाँ पर हैं। एक मिनट, आपके ट्रस्ट के लैंडलाइन पर कॉल करता हूँ अभी। हेलो। हाँ, हम VFX से बात कर रहे हैं। हमारे MD आपके ट्रस्ट को 10 लाख डोनेशन देना चाहते हैं। क्या हम आपके वार्डन से मिल सकते हैं? वो अभी चेन्नई में है, अगले हफ्ते ही आप उनसे मिल सकते हैं। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें बात करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते खुद आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।
अब सुनिए, आपके फ्रेंड को बचाना है ना। हाँ। कोई एसडी बूथ से आपके वार्डन को कॉल करके मैं जो बोलूंगा वही बोलना, ठीक है? बाकी मैं सब देख लूंगा। सर, मैं कीर्ति बोल रही हूँ, आप अभी कहाँ पर हैं? मैं ट्रस्ट में हूँ बेटा, न्यू एडमिशन आए हुए ना। सर, जो कुछ हो रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे पास ट्रेन का टिकट है ना बेटी, तुम ट्रेन पकड़ के आ जाओ, इसमें डरने की क्या बात है। नहीं सर, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। हैदराबाद तक अकेले आने में मुझे बहुत डर लग रहा है। आप यहाँ आकर मुझे अपने साथ ले जाइए सर। तुम कहां पर हो? टीनगर के आसपास है। टीनगर के आसपास हूँ। सुनो बेटा, मैं तुम्हें लेने के लिए टीनगर आ रहा हूँ, तुम मेरा वहाँ पर इंतजार करो। तुम समझ गई ना बात? ठीक है सर। वहीं रुकना। हाँ, ओके सर, फोन रख रही हूँ। सुन, वो लड़की मुझे चाहिए। अगर वो तेरे ट्रस्ट पे आ गई तो इतने दिनों से कमाया हुआ तेरा नाम, धंधा, नेटवर्क, सब का सब मिट्टी में मिल जाएगा। 3 घंटे के अंदर उसे जाके मिल और उसे ले गया। वो यहाँ थी, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड तेरे ट्रस्ट में नहीं मिलना चाहिए। यकीन नहीं हो रहा है ना? अकेली हूँ, मुझे लेकर जाओ, ये छोटी सी बात बोलने पर आपका वार्डन अपने रंग दिखाने लगा। उनको पकड़ के हम क्या करने वाले हैं? उनको पकड़ के हम क्या करने वाले हैं? आगे क्या होना है देखती जाओ। छोटे, मैं जो भी बोला उसे दिमाग में मत लेना, और उस समय का वीडियो YouTube पे मत डालना। अब तुझे जितने पैसे चाहिए मैं देता हूँ, आपस में डील कर लेंगे। ए, तेरा पैसा मुझे नहीं चाहिए। आज एक दिन के लिए तू सच्चा पुलिस वाला बन जा। आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगा। मैं ये करने को तैयार हूँ, टेंशन मत लो। इतना ही मैटर है ना? हाँ, इतना ही मैटर है। कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। सुन, तेरे डिपार्टमेंट को भी। ठीक है। उस काउंसलर की वजह से ही मुझे काम से निकाल दिया। सर, राजा राम आप ही है ना? आप ही है ना? हाँ। हैदराबाद में यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट। आपको कोई काम है क्या? ओ, आप ही से मिलने आया था। आप ही ना? हाँ। अबे चल, चल बैठ अंदर। तुम, चल, छोड़ मुझे। जल्दी। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। शे, गाड़ी निकाल। क्या रे, तेरे वार्डन को उठाया क्या? ए, ये सब तूने करवाया? तुझे पता है ना कि तेरा दोस्त मेरे पास है। अब देख
मैं क्या करता हूँ उसके साथ? अरे सुन रे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा वार्डन और तू जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं, फेक फाइल्स, समय का वीडियो, सब कुछ मेरे पास ही है। मेरे दोस्त और उन लड़कियों को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। ए, क्या छोड़ दूं? अभी देख, उसे खत्म करने को बोलता हूँ। खत्म कर देगा? ए, मैं तो बोला था ना तू कुछ नहीं कर पाएगा। हिम्मत है तो मेरे फ्रेंड को खत्म कर। ऐसा करेगा ना तो बहुत खुशी होगी। लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए मेरा फ्रेंड कुर्बानी भी दे सकता है, समझा ना? हे, हे सुन, इतना अकड़ से बात कर रहा है, उसके दोस्त को खत्म कर दे क्या? उसके बाद सब कुछ छोड़ के गांव चले जाएं। वो वार्डन को उठा के खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहा है। ये सब ड्रामा है। मुझे वो वार्डन चाहिए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है वो। उसका दोस्त ऑलरेडी मरा हुआ है, उसे मार के क्या करेंगे? उसे छोड़ दे। हे सर, जो पूछूंगा सिर्फ उसी का जवाब देना, समझा? सच में तू उसका दोस्त है क्या? सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, वो और मैं बचपन से दोस्त है सर। गांव वाले यहाँ तक बोलते हैं कि हमारी शक्लें भी मिलती हैं सर। वो मेरी जान है सर। जान है? सर उसने तुझे जान से मारने के लिए बुलाया है। मार दूं? सर आप क्या, अगर आपका बॉस भी बोलेगा ना तो भी मैं ये बात नहीं मानूंगा सर। ए, दिमाग मत खाइए यहाँ से। उसने बोला है, सुनेगा क्या? हाँ उसने, हाँ मैं तो बोला था ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। हिम्मत है तो मेरे फ्रेंड को खत्म कर। ऐसा करेगा ना तो बहुत खुशी होगी। लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए मेरा फ्रेंड कुर्बानी भी दे सकता है, समझा ना? सुन लिया ना? सर नहीं सर। क्या नहीं सर? सर ये झूठा सर। मेरी बात सुन, कल का सूरज देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। सर 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 प्लीज प्लीज सर 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 उनको समझाओ ना। सर 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 मेरी शादी होने वाली है, आपको चीफ गेस्ट बुलाऊंगा सर। सर आज रात उसे यहाँ से भगाओ, छोड़ दो उसे। उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो बच के निकल गया। ये जाके अपने दोस्त से कांटेक्ट करेगा, फिर हम उसे पकड़ लेंगे। कोई है? ए, मेरे ख्याल से वो बहुत डर गया है, मैं उसे देख लेता हूँ। क्या बोल रहे है बे? यार मैं कैसे भी करके भगाता हूँ ना उसको। ए संभाल के यार, तू टेंशन मत ले। छोटे भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले मुझे बचा लो। पानी बाद में पी लेना भाई, मेरी शादी में आना, कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा भाई, भाई चिकन बिरयानी भी खिलाऊंगा भाई। भाई मेरी बात सुनो, ज्यादा चिल्ला मत, फ्रेंड फ्रेंड करके तेरा ही वर्ड लगा दिया उसने। सही कहा भाई आपने। तो भरोसा क्यों किया तूने? बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसे ही मेरा एक दोस्त फ्रेंड फ्रेंड करके मेरी बीबी को पटा ले गया। लाइफ है किसी पे भरोसा कर लो, लेकिन फ्रेंड पे भरोसा मत करना तुम। आप सही बोल रहे हो भाई, औरत जाएगी तो मिल जाएगी, जान जाएगी तो मिलेगी क्या? मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है, प्लीज मुझे बचा लो भाई, एक बार मेरी शादी हो जाने दो भाई। भाई तेरा टाइम पूरा हो गया है, आज रात को तेरा खत्म कर देंगे। नहीं भाई नहीं। देखने में तू मेरा भाई जैसा लग रहा है। तेरे दोस्त ने तुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। अगर ये बात उन लोगों को पता चल गया तो मुझे भी मार देंगे। नहीं बताऊंगा। नहीं पक्का ना? सुन मैं अभी अकेला हूँ, अगर तू अभी भाग गया तो मैं फंस जाऊंगा। लड़के लोग खाने के लिए बाहर गए, थोड़ी देर रुक, सही टाइम देखकर मैं तुझे सिग्नल दे दूंगा। भाई जरा फोन देना, एक कॉल कर लेता हूँ। फोन चाहिए? ले। तूने मेरी मदद की थी ना, तभी तो मेरा दोस्त बन गया था, और अब मैं दोस्तों पे भरोसा नहीं करता। हेलो। अबे अब मेरी आवाज ही भूल गया क्या? यार वहाँ से अलग अलग नंबर से कॉल करने के बजाय वहाँ से बचने का सोचना। ए, अब तू मेरा दोस्त नहीं रहा, लड़की के चक्कर में तू मुझे मरवाएगा। बकवास मत कर, उन्हें डराने के लिए बोला था मैंने, तुझे ऐसे छोड़ दूंगा क्या? तेरे लिए तो भाग रहा हूँ मैं। हाँ सब जानता हूँ मैं, तेरी बात रिकॉर्ड करके सुनाई मुझे, सब जान चुका हूँ। यार
मेरी बातें तुझे सुनाएंगे तो तू सच मान लेगा? तुझे मेरी दोस्ती पर यकीन नहीं है क्या? मैं ऐसा क्यों बोला पता है तुझे? अरे यार, मैंने बेवजह में तुझ पे शक किया, माफ कर दे यार। अभी तो मैं बच गया हूँ, अब देखता हूँ उनको। क्या कहा, तू बच गया? ए, इतनी आसानी से तू कैसे बच गया? क्या कह रहा है? मैं बोल रहा हूँ बच गया तो तू खुश होने के बजाय मुझसे सवाल कर रहा है। यार वो गुंडों का गैंग है, उसमें एक अच्छा आदमी भी है, उसने मुझे बचाने के लिए मेरा हाथ खोला था, मैं उसे ही बंद करके उसका मोबाइल लेकर आ गया। ये जो मोबाइल है ना, ये उसी शरीफ गुंडे का मोबाइल है भाई, लेकिन दोस्ती में उसे धोखा दे दिया यार। एक मिनट, मुझे तो डाउट हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तू खुद बच के वहाँ से आया है, शायद उन्होंने तुझे छोड़ा होगा। तेरे आसपास तो देख। क्या बोल रहा है तू? देख बोला ना। है? तू सही कह रहा यार, हे, वो लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं यार। मुझे लगा ही था। सुन, तू कुछ भी करेगा वो लोग नोटिस करेंगे। और हे, हाँ, मेरे अलावा किसी और को फोन किया था? नहीं, किसी और को तो फोन नहीं किया था। अच्छा हाँ, तुम्हारा फोन नहीं लगा तो फोन करके तुम्हारी मम्मी को मैंने सब कुछ बता दिया था, वो लोग मुझसे मिलने आने वाले हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ कर यार। पागल है क्या तू? क्या कर दिया तूने? मैंने जानबूझकर थोड़े ही किया। सुन, मैं जो बोलता हूँ वैसे ही करना। तू कहीं भी मम्मी को देखेगा तो उनको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। बाय बाय बाय। ऑटो कहीं पहुँचा दो यार। ए, कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहे हो? अरे सुन तो, रुको, सुन तो। ए, चलो जल्दी उसका पीछा करते हैं, जल्दी करो। चलो। हेलो। हेलो माँ, कुछ नहीं माँ, पाली से मिलने मत जाना तुम। ऐसा क्यों बोल रहा है तू और कहाँ है? हेलो। हेलो, इसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। नेटवर्क नहीं होगा मैडम। उस ऑटो के पीछे रखो, जल्दी करो। जल्दी करो भाई। अरे जाना कहाँ है बोलो तो। शायद उसी का कॉल है। लाउड स्पीकर। हेलो। अरे सुन, जैसा तूने बोला था ऑटो कर लिया मैंने। सिटी मॉल क्रॉस कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी माँ भी मेरे पीछे पीछे ही आ रही है। ए, अरे उन लोगों को किसी तरह रोक यार, उनके पीछे गुंडे भी हैं। सुन तू एक काम कर, सीधे कोर्ट में चला जा। अबे सरेंडर मैं क्यों करूंगा? जो बोल रहा हूँ वैसे कर, सवाल मत पूछ। सीधे वहाँ जाकर वाइन शॉप बंद करो, वरना भूख हड़ताल करेंगे। ऐसा जोर जोर से चिल्ला, पूरी मीडिया का फोकस तेरे ऊपर होना चाहिए। ए, मैं नहीं बंद करवाऊंगा, पीऊंगा क्या? अरे तेरे चिल्लाने से वाइन शॉप बंद नहीं होने वाला है। हाँ? पुलिस आकर तुझे अरेस्ट करेंगी, फिर चिल्ला कर हाँ? मुझे कुछ हो गया तो पुलिस जिम्मेदार है, ऐसा कहना। उसके बाद में पुलिस तुझे कुछ भी नहीं कर पाएगी। ठीक है करता हूँ, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बंद करो, बंद करो, वाइन शॉप बंद करो, बंद करो, बंद करो, वाइन शॉप बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशा खुली बंद करो, कुछ भी हो जाए बंद करो, बंद करो, बंद करो, वाइन शॉप बंद करो, नहीं चलेगा, डाल दो अंदर इसे गाड़ी में, चलेगा, अरे रुको, बंद करो, कोई आंदोलन कर रहे हैं क्या? बंद करो, पुलिस का अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे अपने दामाद जी को क्या हो गया, कोई आंदोलन कर रहे हैं क्या? क्यों, ये तो खट्टा रहता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़का सही नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं, कोई मेरी नहीं सुनता। अत्याचार बंद करो, पुलिस का चल अंदर, चल भाई, चल। अगर मुझे कुछ हुआ तो पुलिस इतना शरीफ है क्या तू? बता मेरा बेटा कहाँ है, बता कहाँ है मैडम, मेरा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है? मैं अपनी जान पर खेल कर देश के लिए लड़ रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना भाई साहब? आप हट जाइए, मेरा बेटा कहाँ है? बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करवा कर। पता नहीं क्या हो रहा है, सत्या का फोन भी नहीं लग रहा, उसकी बहुत फिक्र हो रही है मुझे, पता नहीं कहाँ होगा वो। चल बेटा जल्दी चल। आप सत्या की माँ हैं? हाँ भाई साहब, मैं उसकी माँ हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई बात नहीं, बताइए ना। माँ जी, भाई से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए पाली भाई ऐसा कर रहे हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं। माँ जी चलिए जल्दी, गाड़ी ले फटाफट। पता नहीं भैया, गुंडे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, आप बताओ क्या करूं? ए, तू कहीं भी नहीं रुकना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करना, सामने से मैं आ रहा हूं। ठीक है भैया। हेलो भाई, मैं इसके फैमिली का पीछा कर रहा हूं।
जल्दी कर, जल्दी कर। सुन, तुम मेरी माँ और बहन को तुरंत लेके जा। ये क्या बोल रहे हो भाई? आपको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? बोला तो जाना। मेरी ही गलती है, तुझे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अगर तू नहीं आया होता तो तेरी फैमिली को खत्म कर देता। ए, तू मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं भाग सकता हूँ, पर अगर मेरी फैमिली को कुछ करने का सोचा ना तो क्या करेगा बे? ए, ए। अभी कहा था ना, मेरी फैमिली को कुछ करने का सोचा ना तो। Ah!
ए, क्या बोल रहा था तू? ये तेरी कुछ लगती है क्या? इसको खत्म कर देता हूं। क्या करेगा बे? हाँ? मैं कमीना हूँ मालूम था, पर तू तो मुझसे भी बड़ा कमीना निकला। और ये मैटर थोड़ी देर में मीडिया पर आ जाएगा। अपने देश में कोई भी मामला माफ किया जाता है, पर लड़की का मैटर, बच्चे का मैटर कभी माफ नहीं करते हैं। तेरा अंतिम जीवन जेल में बीतेगा। कोई भी इन्फ्लुएंस यूज करके बाहर आने का सोचना भी मत। काम के नाम पर लड़कियों को विदेश भेजने वाले एक बहुत बड़े गैंग का चेन्नई में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। उस गैंग में अब तक जितनी भी लड़कियां फंसी हैं, पुलिस उन्हें छुड़ाने का प्रयास कर रही है। खुलासा हुआ है कि हैदराबाद में बड़े बड़े ट्रस्ट चलाने वाले लोग इस गैंग के साथ इन्वॉल्व हैं। ट्रस्ट के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे इतने साल के सर्विस में पहली बार गोली चला रहा हूँ। ए सुन, तूने लोकेशन भेज कर आने को बोला, तुझे पता है एक लड़के की गर्लफ्रेंड खो गई है, ऐसी रिपोर्ट लिख कर आ रहा हूँ। वो वीडियो डिलीट करना मत भूलना। सर उसका टेंशन मत लीजिए, आने के लिए थैंक्स सर। मुझे क्यों थैंक्स बोल रहा है, उसको बोल। ए भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? गद्दार दोस्त। यही है मिस्टर गजानन, आपको बहुत चाहते हैं, मैंने बताया था ना आपको। मुझे चाहता है? हाँ। एक दिन में कितने मिसिंग केसेस है यार? ठीक है, ग्रुप में डाल दे, मैं देख के बताता हूँ। इधर आ। मैं? अरे हाँ इधर आ। बहुत इज्जत से बुलाया। हाँ, क्या है मामा? अरे आदत थी इसलिए बोल दिया, गलती से मिस्टर, सॉरी सर। नाम क्या है तेरा? छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तो वो बता देगा। छोटा बच्चा कैसे बोलेगा? नाम गजानन है सर, 3 बार 10th में फेल हुआ हूँ। उधर तेरी वाइफ ने मेरा मर्क हो गया ऐसी कंप्लेंट लिखवाई है, और तू अपनी लवर खो गई ऐसी कंप्लेंट देके पुलिस के साथ मजाक कर रहा है? ऐसा नहीं है सर, मैं नंबर 1 हूँ, मेरी वाइफ नंबर 2 है, इन बिटवीन नंबर 3 उठाने के चक्कर में। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, और तू कॉमेडी कर रहा है? सीरियसली करूंगा तो ही कॉमेडी निकलेगी।